हाय गाइस, कल का मैं व्लॉग करने के बाद आधे घंटे में इतना तेज़ बारिश हो रहा है इधर, ये देखिए पूरा इधर भर गया पानी, मतलब दुबई पूरा डूब चुका है ऐसा लग रहा है। और हमारे जो मैं आपको दिखाया था अमेरिका से, हमारे जो फैमिली मेम्बर्स थे जो इंडिया गए थे हमारे दुबई से, और वापस आज उनको आने का था, पूरा फ्लाइट कैंसिल हो गया। मतलब इतना तेज़ बारिश हुआ ना, मतलब आज पूछो मत। अभी बोल रहे हैं कि अभी और भी बारिश होगा, अभी तक ये जो घने बादल अभी हटे नहीं है, अभी भी मतलब तेज़ हवा चल रहा है। लेकिन मुझे एक चीज़ समझ में आ रही है, पब्लिक जो ना गाड़ी लेके जो निकलते हैं, दिस इज़ वेरी डेंजरस। मैंने इतने सारे अभी वीडियोज़ देखे यूट्यूब में भी, टिकटॉक में भी, एक्सीडेंट्स के, और यू नो गाड़ियाँ मतलब पानी के अंदर फ्लोट कर रहा है, ऐसे से बहुत कुछ चीज़ें। और पब्लिक को सोचना चाहिए इस टाइम पे, गाड़ी निकल के बाहर निकलना चाहिए। और मैं देख सकता हूँ बादल को, ये देखिए इतना तेज़ जो है ना बादल ऊपर से, देखिए बहुत क्लियरली विजिबल है, देखो रियली रियली डार्क क्लाउड्स, मतलब इससे भी डार्क था पहले। इतना तेज़ हवा चल रहा है, देखिए मैं दिखाता हूँ आपको, देखो फूलों को देखो, अरे अभी भी लाइटनिंग चल रहा है। आज हम लोग जा नहीं पाए बिल्कुल अपना इसके लिए, वॉकिंग के लिए। अभी कल का भी मालूम नहीं, कल भी बोल रहा है कि फोरकास्ट में है, कल का इस फोरकास्ट में भी मतलब बहुत तेज़ बारिश होने वाला है। कल रात से शुरू हुआ था एक्चुअली, और आज बहुत तेज़ बारिश हुआ। हमारा तो बेसमेंट पूरा, जो पार्किंग लॉट जो बेसमेंट है वो पूरा भर गया, लिफ्ट बंद हो गया। हम लोग थैंकफुली फर्स्ट फ्लोर में है तो इसके कारण टेंशन नहीं है हम लोगों को, लेकिन बहुत लोग जो 12वीं फ्लोर में है उनके लिए प्रॉब्लम है। तो अभी हमने सोचा कि भैया बाहर जाके थोड़ा चाय वाय पिया जाए, पकौड़े शकोड़े खाए जाए। नहीं गाड़ी वाड़ी नहीं निकाल रहे हम लोग, बस ऐसे ही चल के जा रहे। और इधर सामने है जो है ना, तो सुबह से हम लोग घर के अंदर ही है, कल भी घर के अंदर था, तो सोचा एक चाय वाय पी के। याविन तो बैठा हुआ इधर ही, और एम्बर, ये रहा एम्बर। याविन अपने गेम में लगे हुए, PS4, PS5 खेलते हुए। क्या हो गया एम्बर? ओ हो भैया ये देखो पूरा, हाउ विल वी क्रॉस, वी शुड गो फ्रॉम देयर। बाहर ठंड भी बहुत ज़्यादा है, अभी हमने तो हुडी पहन के अभी निकल रहे हम लोग। यार हमने सोचा हम उधर तक नहीं गए, वापस बारिश होगी अभी। दोस्तों चाय का भी प्लान कैंसिल हो गया लगता है, अभी हम लोग जा रहे थे और बीच में ही रास्ते में वापस बारिश शुरू हो गया। इतना तेज लाइटनिंग हुआ ना, दोनों की फटली। अभी पता नहीं क्या, जाएंगे नहीं जाएंगे, अभी देखते हैं, बारिश रुकेगा तो जाएंगे। स्टॉप्ड, नो बेबी चिल रहे। तो अभी हम लोग बाहर गए थे, अभी प्लान कैंसिल हो गया, चौपट हो गया, पूरा पोपट हो गया, पोपट। अभी भी ड्रिजल हो रहा है, पता नहीं कब तेज़ होगा, इतना तेज़ लाइटनिंग चल रहा है ना अभी दैट। अरे यार कैमरा भी ये वाटरप्रूफ नहीं है ये कैमरा। तो दोस्तों आज ऐसा एक दिन पे हम करें तो करें क्या, अभी बताइए। अभी मतलब ऐसे सिचुएशन में आ गए कि हम बाहर भी नहीं जा सकते, ना व्लॉगिंग कर सकते, तो घर पर बैठ के हम लोग को कुछ करना पड़ेगा। तो सबसे अच्छी बात यह है कि मैंने अभी तक ये DJI Osmo Pocket 3 का रिव्यू नहीं किया, मैं करना भी नहीं चाहता एक्चुअली। मैं बस आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ कि डेली मैं इसी से व्लॉगिंग करता हूँ, बिकॉज इट्स सो कंफर्टेबल एंड सो इजी टू यूज़। और इसका क्वालिटी जो है 10 bit, इट्स वेरी गुड क्वालिटी, और कलर ग्रेडिंग बहुत अच्छा है। मेरा जो कलर आजकल जो मुझे मिला है, आप देखे होंगे कि मेरे एक ही कलर अभी रहता है, विच आई हैव बीन ऑलवेज सर्चिंग एंड लुकिंग फॉर। तो मैंने अपना ग्रेडिंग किया हुआ है, मैंने अपना ही एक जो है लट बनाया हुआ है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो मैं आपको दिखाता हूँ मैं कैसे ग्रेडिंग करता हूँ। और आपको अगर आपके पास मतलब आप एडिटिंग करते हो या कुछ करते हो, तो आपके लिए ये लट मैं फ्री में दे दूँगा। तो आई विल पोस्ट दिस, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, आप जाके ये लट ले सकते हो। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं इसका जो है कलर ग्रेडिंग कैसे करता हूँ। और एक और मेन खासियत जो है Osmo Pocket 3 में,
वो है कि मैंने सुना है, मैंने ट्राई नहीं किया अभी तक, कि आप इसको, ये कैमरा को एक्चुअली आप वेबकैम जैसा भी यूज़ कर सकते हो। तो आज मैं वो करने वाला हूँ, बिकॉज मेरे को अगर आपको दिखाना है कि कलर ग्रेडिंग मैं कैसे करता हूँ, कलर करेक्शन मैं कैसे करता हूँ, मैं डाविंशी रिजॉल्व यूज़ करता हूँ, तो मुझे इसमें सिस्टम में कनेक्ट करना पड़ेगा अपना जो है ऑस्मो पॉकेट 3। तो वो पहले कर लेते हैं और देखते हैं कि ये काम कर रहा है कि नहीं। ओके, और इसके साथ बताया गया कि मैं ऑस्मो पॉकेट 3 का जो माइक है वो भी बेसिकली वेबकैम के साथ यूज़ कर सकता हूँ। मैं यूज़ कर रहा हूँ ये अपना कौन सा सॉफ्टवेयर था, एक मिनट, OBS। तो OBS में मैं बेसिकली अपना जो स्क्रीन है वो रिकॉर्ड करूँगा और आप लोग को दिखाऊँगा कि मैं कलर करेक्शन और कलर ग्रेडिंग कैसे कर रहा हूँ। तो लेट्स सी इफ OBS रिकॉग्नाइजेस दिस माइक एंड दिस कैमरा। ऑलराइट गाइस, लुक्स लाइक दिस इज़ वर्किंग। अभी मैंने OBS खोला हुआ है और OBS के साथ मैंने एक्चुअली ये कैमरा और ये माइक भी एक्चुअली जो है OBS के साथ कनेक्टेड है और मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। अभी मैं डाविंची रिजॉल्व खोल रहा हूँ और मैं आप लोग को दिखाऊँगा कि मैं बेसिकली अपना कलर ग्रेडिंग जो प्रोसेस है कैसे करता हूँ। मैं यूज़ करता हूँ डाविंची रिजॉल्व, इवन दो आई हैव परचेज्ड फाइनल कट प्रो, मेरे पास फुल वर्जन है उसका, लेकिन फाइनल कट प्रो डुप्लीकेशन बहुत करता है और बहुत ज़्यादा स्पेस लेता है, यू नो डाविंची रिजॉल्व में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं अभी एक्चुअली एक न्यू प्रोजेक्ट बना लेता हूँ और मैं लिख देता हूँ कलर ग्रेडिंग, ठीक है, और ओपन, सॉरी क्रिएट। तो बेसिकली सबसे पहले जो है हम लोग सेटिंग करते हैं मेरा जो है, तो आप शायद Adobe Premiere Pro यूज़ कर रहे होंगे तो आप वो यूज़ कर लेना। मैं 25 फ्रेम रेट पे मैं काम करता हूँ और कलर मैनेजमेंट जो है मैं कामा ट्रैक 709 2.4 में रखता हूँ मैं, कि दिस इज़ फॉर मूवीज़ बेसिकली, ये लोग यही यूज़ करते हैं। आप मुझसे ज़्यादा टेक्निकल चीज़ें मत पूछना, मैंने देखा ये अच्छा लग रहा है, दिस इज़ हाउ, इसमें से जब मैं रैक 709 गामा 2.4 में से मैं एक्सपोर्ट करता हूँ टीवी में, बेसिकली वो ज़्यादा डार्क नहीं आया था, पहले बहुत ज़्यादा डार्क होता था, मैं जब भी एक्सपोर्ट करता हूँ कोई कलर्स बराबर नहीं बैठता था और ब्रेकडाउन होना शुरू हो जाता था, लेकिन इसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी मैं इसमें मीडिया जो है थोड़ा ड्रॉप कर देता हूँ, सो लेट मी जस्ट ब्रिंग अ मीडिया वेयर आई हैव माई व्लॉग्स बेसिकली, मेरा है मूवीज़ में और व्लॉग्स और मेरा डीजेनियो ऑस्मो पॉकेट 3 पार्ट 1। मैं एक वीडियो ले लेता हूँ इसमें से, जस्ट आपको एक एग्जांपल दिखाने के लिए, ठीक है। तो लगाते हैं हम लोग ये वाला वीडियो ले लेते हैं, ठीक है, और मैं एक दो वीडियो और ले लेता हूँ दूसरा, हाँ ये ले लेता हूँ एक। मैंने ये 50 FPS में शूट किया था तो आई डोंट नीड टू चेंज, मैं 25 में ही रख रहा हूँ, ठीक है। अब मैं वापस जाऊँगा एडिट में, एडिट में जाने के बाद मैं इसको इधर लेके आता हूँ। तो इसका मुझे बेसिकली डायलॉग नहीं डालना, तो आप देख सकते हो ये मैं डीलॉग एम में मैंने रिकॉर्डिंग किया था, शूट किया था। तो इसको जो है अभी मुझे कलर ग्रेड करना है, तो सबसे पहले मैं जाता हूँ बेसिकली कलर में, और कलर में जाके मैं इसमें जो नोड्स है एक और नोड बना लेता हूँ, नया नोड, ठीक है। और ये जो नोड है मैं इसको लेबल कर लेता हूँ मेरा प्राइम, और ये जो नोड है मेरा मैं लेबल कर लेता हूँ ग्रेडिंग। मैं बस यही दो चीज़ यूज़ करता हूँ। आई हैव लर्न अ लॉट फ्रॉम वीडियोस जहाँ लोग ये दिखा रहे हैं बहुत सारे नोट्स, लेकिन मेरे को उसका ज़रूरत नहीं है। मैं अपना जो व्लॉग का जो मुझे जो स्टाइल चाहिए मैं बहुत ही सिंपल रखता हूँ, आई डोंट वांट टू ओवर कॉम्प्लिकेट थिंग्स। सो मुझे एक लट मिला था जो बहुत ही अच्छा लट है, विच बेसिकली मैंने खरीदा था ये जेंसन वाला, और इसमें बहुत सारे लट्स हैं, मैं बस सीधा डायरेक्टली ये यूज़ करता हूँ। लेकिन DJI का अपना एक लट है जो बेसिकली उनका वेबसाइट में मिलता है आपको, मैं इसका जो है आपको जो लिंक है नीचे डाल दूँगा। तो DJI का ऑस्मो पॉकेट 3 का लट यह है, रैक 709 कन्वर्ट करता है ये, आप देख सकते हो। मैं इसको अभी कर दिया, तो अभी एक ये हो गया, इसमें मैंने लट इसमें डाल दिया, मैंने ये ग्रेडिंग वाला नहीं है लट डाला है, और उसके बाद हम लोग इसमें काम कर सकते हैं, मतलब इसका गेन इंक्रीज कर सकता हूँ मैं, और आप अपने हिसाब से आप काम कर सकते हो, कैसे आपको चाहिए उसके हिसाब से आप काम कर सकते हो ये। तो मैं अभी फ़िलहाल, अगर मैं पहले यही करता था, मैं कॉन्ट्रास्ट थोड़ा बढ़ा देता हूँ इसमें, आई विल मेक इट लाइक अराउंड 100,
और मैं कलर टेम्परेचर येलो मुझे पसंद नहीं है, तो मैं थोड़ा थोड़ा कूल लुक में जाना चाहता हूँ, तो 150 तक मैं रखता हूँ ये। और मैं ज़्यादा चेंज नहीं करता, मैं इतना ही रखता हूँ हमेशा, मेरा यही रहता है। और 150 में ये रखा हुआ अभी मैंने, और ज़्यादा कुछ मैं टेक टच नहीं करता। बस फिर लास्ट में मैं जो है कर्व्स को मैं थोड़ा बहुत इस्तेमाल करता हूँ, जो है मैं एस शेप देता हूँ थोड़ा इधर से और इधर से, ये बस यही है मेरा काम जो बेसिकली मैं करता हूँ। आप देख सकते हो अभी ये है मेरा जो DJI Osmo Pocket 3 का जो वेबसाइट से हमको मिलता है उसका जो स्टाइल है, देखिए आप कैसे दिखता है ये। तो ये है DJI Osmo Pocket 3 से जो Rexo 709 का हमको जो मिलता है, ठीक है। अब मैं अपना वाला बताता हूँ जो मैंने एस सीनी टोन का मैं यूज़ करता हूँ। तो मैं ये सब निकाल देता हूँ, मैं रीसेट नोट और ये रीसेट नोट, ठीक है। अभी हम लोग वापस सेम पोजीशन पे पहुँच गए। अब इसमें मेरा जो अभी आजकल जो कलर आप लोग देख रहे हो वो मैं यूज़ कर रहा हूँ 10 एस सीनी टोन। जेनसन का जो है एक बंदा है, इससे मैंने ये खरीदा था जेनसन वाला, तो इसमें से मैं ये हाई कॉन्ट्रास्ट वाला ये वाला यूज़ करता हूँ, जेनसन एस सीनी बूस्ट है हाई कॉन्ट्रास्ट। तो इसको मैं सिर्फ यही करता हूँ कि मैं डबल क्लिक करता हूँ इसको, और इसको मतलब अभी इसमें लग गया ये, देखिए दिस हाउ इट लुक्स लाइक। देखिए जो मैंने उधर कलर ग्रेडिंग के लिए जो जो चीज़ें करना पड़ा था, इसमें मैं जो शूट करता हूँ एक्सपोजर जो है -0.7 में रखा था मैंने Osmo Pocket 3 में, शार्पनेस -2 में है, नॉइस रिडक्शन नहीं किया मैंने, ठीक है। ये देखिए इसका क्वालिटी देखिए, ठीक है। अब मैं थोड़ा बहुत इसमें जो है फाइन टचेस अपना जो है फाइन टचेस देता हूँ मैं इसमें, मैं दिखाता हूँ आपको। तो मेरा फाइन टचेस जो है मैं जो देता हूँ अभी इसमें, मैं वापस आता हूँ। अभी ग्रेडिंग तो हमने इसमें डाल दिया, अभी देखिए मैं जब ग्रेडिंग डाला इसमें थोड़ा ब्लू टिंट ऑलरेडी ऊपर आ चुका है, देखा आपने, ये नीचे दिख रहा है आपको ब्लू टिंट थोड़ा ऊपर आ चुका है, विच आई लाइक, बेसिकली दैट्स अ कलर आई लाइक। मैं प्राइम में आ गया वापस अभी इधर। अब मेरा जो काम है बेसिकली, मैं टेम्प जो है मैं हमेशा -150 में रखता हूँ, और ये मैं एस सीनी टोन का जो बता रहा हूँ मेरा पर्सनल कलर चॉइस मैंने दिया है, अगर आप चाहे तो आप अपना भी ट्राई कर सकते हो। और इधर जो है आप देख सकते हो जो स्कोप्स में परेड वाला स्कोप है ये बहुत ही ज़्यादा ओवर हो गया नीचे, तो हम इसको मैं थोड़ा ऊपर लेके आता हूँ। मैं पहले तो ऊपर लेके आता हूँ, फिर उसके बाद जहाँ क्रश होना शुरू हो जाता है ना उधर मैं छोड़ देता हूँ। देखना भी देखो नीचे भी क्रश होना शुरू हो गया, तो इधर मैंने छोड़ दिया उधर, ठीक है। और ये गेन जो है अभी आप देख सकते हो 896, मैं 896 के नीचे रखता हूँ, तो गेन को मैं थोड़ा नीचे लेके आता हूँ, ठीक है, ताकि वो क्रश ना हो उधर। देखो उधर क्रश हो रहा है, देखा आपने, तो मैं गेन नीचे थोड़ा लेके आता हूँ ताकि क्रश नहीं होने देता हूँ मैं। फिर उसके बाद अब मैं खेलता हूँ अपना जो है कॉन्ट्रास्ट। कॉन्ट्रास्ट इसमें जो है एस जेनसन वाला जो सीनी बूस्टर जो है उसको मैं 50 में रखता हूँ। अगर आपको ज़्यादा कॉन्ट्रास्ट पसंद हो तो आप 100 में भी रख सकते हैं, ये कॉन्ट्रास्ट मैंने 50 में रख दिया। अब मेन चीज़ है कर्व्स का, तो ताकि हमारा जो है थोड़ा उभर के आए कॉन्ट्रास्ट, और थोड़ा ज़्यादा कर देता हूँ मैं इसको नीचे थोड़ा लेके आता हूँ। और मैं देख रहा हूँ अपने पिक्चर को कितना मुझे कॉन्ट्रास्ट चाहिए डार्कनेस, और मैं राइट साइड में परेड में भी देख रहा हूँ अपने स्कोप्स में कि ज़्यादा तो ओवर कॉन्ट्रास्ट तो नहीं हो रहा, तो मैंने नीचे लेके आया इसको, हाँ ये सही है, और उसके बाद इसको थोड़ा ऊपर लेके आया। अब आप देख सकते हो, मैं आपको दिखाता हूँ, ये है बिफोर एंड दिस इज आफ्टर, बिफोर आफ्टर, देखा पहले येलो येलो था अभी वो निकल गया, देखा बिफोर एंड आफ्टर। अब मैं इसका पूरा जो है इसको डिसेबल करके दिखाता हूँ बिफोर एंड आफ्टर। ये था हमारा पहले यू नो डी लॉग एम और दिस इज़ आफ्टर, तो ये था पहले एंड दिस इज़ आफ्टर। दिस इज़ हाउ माई यू नो कलर ग्रेडिंग प्रोसेस वर्क्स, ज़्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ दो नोड में मैंने ये किया हुआ है। एंड दिस एक्चुअली लुक सो गुड फॉर मी एंड आई एम सो हैप्पी विद दिस कलर कि आप विश्वास नहीं करेंगे, मुझे बहुत पसंद है ये कलर। आप टीवी में देख रहे हो और बहुत नेचुरल दिखता है, देखिए मेरे जो कलर इधर दिख रहा है आपको वो सेम कलर जो मैं देख रहा हूँ नेचुरली मुझे वही दिख रहा है। दैट इज़ वाई आई लव एस सीनी टोन का जो टेक्स्चर है, और ये जेनसन वाला जो एस सीनी टोन बूस्टर जो है मुझे बहुत अच्छा लगा, दैट्स वाई आई एम यूजिंग दिस। और उसमें से सिर्फ एक ही मुझे अच्छा लगा, बाकी तीन मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आया। एंड दिस परफेक्टली वर्क्स विद इवन सोनी में भी मैं शूट करता हूँ या इसके साथ भी शूट करता हूँ, तो ये ग्रेडिंग में ये मेरे को बहुत अच्छा लगा। अगर आपको इसमें थोड़ा और कलर या कॉन्ट्रास्ट कुछ देना है तो आप खुद कर सकते हो। तो इसमें थोड़ा सा मैं सैचुरेशन डाल देता हूँ, ये देखिए सैचुरेशन मैं थोड़ा बढ़ा देता हूँ, तो अभी 56 मैं ज़्यादा भी नहीं करना चाहता, मैं 60 तक कर देता हूँ, ठीक है 50 था अभी 60 कर दिया मैंने, ठीक है। और पिवट पॉइंट मैं थोड़ा बहुत ऑफसेट ऊपर नीचे खेलना है तो आप खेल सकते हो, मतलब आपको ब्राइटनेस कुछ करना है थोड़ा और
तो ऊपर नीचे कर सकते हो। तो ये रहा, इतना कर लिया मैंने बस, दैट्स इट। मैं ज़्यादा फिर ज़्यादा टेज नहीं, फिर इसको ही कॉपी करके मैं बाकी सब वीडियोस में पेस्ट करता हूँ। अब ये देखिए वीडियो, दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। देखिए तो मुझे ये जो है बहुत पसंद आया है, मुझे बहुत पसंद आया। एंड डाविंची रिजॉल्व जब से मैं यूज़ कर रहा हूँ, इट हैज़ टेकन लेस स्पेस ऑफ माय मैक और इट नेवर गेव मी अ प्रॉब्लम। एक दो बार क्रैश होता बस, एक दो बार। अभी पिछले एक डेढ़ महीने से मैं डाविंची रिजॉल्व यूज़ कर रहा हूँ एंड आई जस्ट लव दिस। सो दिस इज़ माई कलर ग्रेडिंग प्रोसेस। अगर आपको चाहिए तो मैं ये जो एस सिनीटोन वाला जो लट्स जो है एक लिंक में डाल दूंगा और आप ले सकते हो फ्री में। मैं ऑलरेडी पे कर चुका हूँ इसका, लेकिन आप ले सकते हो, मैं एक देता हूँ इसमें से, आप ले सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों दिस इज़ हाउ आई कलर ग्रेड। बेसिकली मैं ज़्यादा कुछ नहीं करता, मैंने आपको बताया था जब ज़्यादा कुछ करता हूँ ओवर कॉम्प्लिकेट हो जाता है और वो ख़राब हो जाता है। तो ये एक वो कर रहा हूँ, मैंने फाइंड आउट किया इन विच माई कलर्स नेवर ब्रेकआउट, मतलब फॉल आउट नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। मैं डायरेक्टली इसमें डालता हूँ, मैं इवन जो रेक 709 कन्वर्टर या ये सब वो सब नहीं करता। उसके बाद मैंने वो सब ट्राई किया, इट वॉज नॉट सूटिंग माई नीड्स एंड दिस लट एक्चुअली सॉल्व ऑल माई प्रॉब्लम्स। मतलब इट वॉज सो ईजी फॉर मी एंड इट लुकड ऑल्सो नाइस फॉर मी, यू नो। सो दिस आर माई कलर्स वॉट यू आर सेइंग राइट नाउ। यही मैं ऑप्शन यूज़ करता हूँ मेरा हर वीडियोज़ के लिए व्हेन आई यूज़ माई डी जे पॉकेट 3 टू शूट। तो दोस्तों होपफुली आपको ये हेल्प किया रहेगा, इफ़ यू लाइक डेट। अगर आपको ये चाहिए मतलब ये जो लट चाहिए, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक डाल दूंगा, आप इसको डाउनलोड करके, अगर डाविंची यूज़ कर रहे हो या फाइनल कट प्रो यूज़ करो, अडोब प्रीमियर प्रो यूज़ करो, आप यही सेम तरीका यूज़ कर सकते हो एनी सॉफ्टवेयर। अगर आप नए हो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, आपका सपोर्ट बहुत मायने देता है मुझे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। धन्यवाद, सत्यमेव जयते, जय हिंद।